हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड्स में। और आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं और जो इंडिकेटर बताने वाला हूं, अगर आप उसे यूज़ करते हो, अच्छी तरीके से समझ के यूज़ करते हो, जस्ट आपको 99% विनिंग होनी ही होनी है। देखो, 100% क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भगवान होना पड़ता है ना। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखना, समझ के देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये चीज़ भी ख़त्म करने वाला हूँ। क्योंकि कई लोगों को अप एंड डाउन में प्रॉब्लम होती है कि अप ट्रेड लें कि डाउन ट्रेड लें, और कितने टाइम फ्रेम में लें, कितने समय के लिए लें, तो ये सब ख़त्म करने वाले हैं और विनिंग तो आप करने ही वाले हो। ओके, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ अलग हैं। ओके, तो सिंपली शुरू करते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सिंगल इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, जस्ट ऑसम इंडिकेटर, पहले ही बोल देता हूँ। ओके, क्योंकि ये इंडिकेटर सारी कमियाँ दूर कर देता है, क्योंकि आप कब अप ट्रेड लें, कब डाउन ट्रेड लें, जस्ट सब कुछ बता देगा आपको। ओके, कैसा ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चलने वाला है कि अपवर्ड ट्रेंड चलने वाला है, बवाल बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपली तरीके से आपको कैसे ये इंडिकेटर लगाना है, बहुत ही ईजी है, जो लोग नए हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। जस्ट देखो, जो लोग नए हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि बायनमो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है लिंक से, तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो देखो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैमाना, जस्ट आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा मूविंग एवरेज, पहले ही नंबर पर है, ढूंढना नहीं पड़ेगा ऐसे। ठीक है, पहले ही नंबर पर है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है सब कुछ। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ चेंज करनी है, क्या, कलर। इसको येलो करना है, क्योंकि येलो कलर ज़्यादा दिखता है, कोई वैलिड रीजन नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा फोकसेबल होता है, समझ रहे हो, फोकसेबल ज़्यादा होता है ना, तो इससे आपका एक नज़रिया अच्छा होता है। जस्ट आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अब कई लोग बोलेंगे क्या हो गया सर, कुछ तो है नहीं यहाँ पे। गाइस, सब कुछ है, एक ही बार में सारे इंडिकेटर्स लग गए यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिख रही होगी येलो लाइन, देखो ये है, दिख रही है ना, जस्ट यही सब कुछ बता देगी कि कब आपको डाउन ट्रेड लेनी है, कब आपको अप ट्रेड लेनी है, कितने मिनट की लेनी है, कितने सेकंड्स की लेनी है। ओके, कैसे मैं बताता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन मैं बता दूँ कि जो SNR लेवल पे करते हैं ट्रेडिंग, SNR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका काम करती है ये पूरी तरीके से, समझ रहे हो, उसका काम करती है। उसमें आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, सपोर्ट बनाना पड़ता है, रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है, लेकिन ये खुद में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या देखना है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्या है इस लाइन का मकसद। देखो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो लाइन है क्या है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैंडल्स हैं जो, वो बनी है लाइन से नीचे, बनी है ना लाइन से नीचे, साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पे लाइन से नीचे बनी है। जस्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड गया है। ठीक है, आपको वीक पॉइंट्स तोड़ने हैं। वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये रहे वीक पॉइंट्स, ये रहा वीक पॉइंट्स, ये रहे वीक पॉइंट्स, दिस इज़ द वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स मतलब इधर ही से पता चल जाएगा आपको कि मार्केट डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है। ओके, सिंपली आप देखो, जब यहाँ पे जैसे ही लाइन कैंडल्स के ऊपर चढ़ी, जस्ट मार्केट फॉल होता चला गया। देखो, अरे मेरे चाचा, एक सेकंड, मार्केट फॉल होता चला गया। जस्ट कितने मिनट तक फॉल रहा, देखो 10 मिनट तक फॉल रहा मार्केट, देखो 2:10 से 2:20 तक मार्केट फॉल रहा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मतलब दो बजे से दो बीस मिनट तक मार्केट फॉल रहा, सोचो आप, है ना। तो और दिखाओ, अच्छी चीज़ दिखाते हैं, और देखो सेम कंडीशन, जैसे ही ये लाइन, जैसे ही ये लाइन, आप लाइन लाइन फोकस करो, कैंडल्स के नीचे आई, जस्ट मार्केट अप चला गया। देखो, अरे सॉरी, इसको चेंज कर लेते हैं, मार्केट अप चला गया। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। ओके, दिस इज़ द सीक्रेट्स
ओके क्योंकि ये SNR लेवल पे काम करते हैं, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे देखोगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन क्रिएट करते हो ना, जस्ट आपको वहाँ पे दिखता है कि मार्केट छू के वापस आया है, रेजिस्टेंस को थ्रो बैक आया है। तो सिंपली यही चीज़ यहाँ पर होती है। देखो ये जो कैंडल है, इसने पूरी कोशिश की मार्केट को अप जा रहा था मार्केट, ठीक है जी, मतलब ये डाउन ये था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसने जैसे ही तोड़ा, लेकिन मार्केट थ्रो बैक आ गया, रिवर्सल आ गया मार्केट एक तरीके से कहें तो। मार्केट देखो पूरी तरीके से रिवर्सल आया, फिर इसने फिर तोड़ा, जस्ट फिर मार्केट अप गया। और आप यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करते हो, जस्ट ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है और आप यहाँ पे देखते हो इसने फिर तोड़ा, समझ रहे हो। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ओके, तो सिंपल तरीके से आप ये पता लगा सकते हो, जस्ट आप यहाँ पे देख के पता लगाओ कि मार्केट क्या जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे हाँ ऊपर जा रहा है, तो जस्ट ये ऊपर ही जा रहा है क्योंकि इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिर तोड़ दिया है, इसने अपनी सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया है पूरी तरीके से और मार्केट बाहर निकल गया है, थ्रो बैक ऊपर जा रहा है पूरी तरीके से क्लियरली। जस्ट आपको यहाँ पे आप ट्रेड लेनी है, वो भी आप देखो मैं पहले ही बता दूं कि 1 मिनट की लोगे बढ़िया है, लेकिन आप यहाँ पे 2 मिनट्स की ट्रेड लो ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और टाइम स्किप सबसे बेस्ट, अगर आप टाइम स्किप नहीं करते हो जस्ट आपको लॉस होगा। आपको इंतज़ार करना है सही चीज़ का, जैसे कि सही चीज़ आप बोलोगे क्या होती है सही चीज़, मुझे पता है ना तुम लोगों के मन में क्या आता होगा, मैं जो बोलता हूँ मुझे हाल उसके क्वेश्चंस भी, जैसे ही बोलता हूँ मैं क्वेश्चन हाल बताओ सर ये क्या होता है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि देखो ये हैं बेस्ट पॉइंट्स। जब ये ऐसे बेस्ट पॉइंट्स मिले ना तो यहाँ पे ट्रेड मार दो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते ना तो जस्ट विन होती, यहाँ अगर आप डाउन ट्रेड लेते ना जस्ट विन होती, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लोगे ना जस्ट विन होगी। ओके, साफ साफ बोलने से नहीं ट्रेड लेके दिखाएंगे। ओके, तो जल्दी से अब हम ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हम भी थोड़ा टाइम स्किप करेंगे क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है थोड़ी तरीके से, क्या पता ये लाइन चढ़ के कैंडल्स के ऊपर से यहाँ चढ़ जाए, है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे रुकना है, जस्ट ये 26 सेकंड क्लियर होने दो। अगर ये इस लाइन को काट के नीचे जा रही है तो जस्ट हमें अप ट्रेड लेनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट फॉल हुआ है और जस्ट वापस जाएगा इस लेवल तक, लाइन क्रिएट करता हूँ, इस लेवल तक वापस जाएगा, दिख रहा हो वीक पॉइंट तक, तो इस लेवल को शायद छू के रिवर्सल हो। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे देखो इसने इसको काट दिया है और हमें यहाँ पे अप ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब बोलोगे कैसे सर आपने एक पॉइंट पे कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो अप ट्रेड क्यों लेनी है, अब देखो ये टाइम स्किप हो गया है, मैं बाद में बताता हूँ। देखो इसने इसको काट दिया है, लेकिन देखना ये लाइन ज़रूर बनी है, लेकिन ये अगली जो कैंडल है वो ग्रीन पे ख़त्म हो गई, आप देखना। ओके, ग्रीन पे ख़त्म हो गई, देखो रेड पे ख़त्म होती है तो मतलब मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल होगा, क्योंकि ये जो ऊपर से मतलब आपने नोटिस किया होगा ये थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं रूम में हूँ, जस्ट रूम बहुत अंदर है इस वजह से, ठीक है। तो ये मतलब कैंडल्स नीचे बनने लगी हैं, तो जस्ट हम यहाँ पर डाउन ट्रेड लेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने बोला है ना टाइम स्किप बहुत ज़रूरी है, अगर आप टाइम स्किप नहीं करते हो जस्ट आपको लॉस होगा। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट कर रहे हैं हम 1, और अगली कैंडल हमारी रेड ही बनी शायद, हाँ रेड ही बनी। तो अब ये टाइम स्किप करेंगे क्योंकि हम बताने के चक्कर में आपको हमने वो ट्रेड नहीं ले पाई, ठीक है। तो उतनी ही अच्छी बात है जब आप स्टेप और स्किप करते हो टाइमिंग। देखो मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, अगर मेरी बातों पे ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे हम 700 की ट्रेड लेने वाले हैं, हम एक ट्रेड नहीं 3-4 ट्रेड लेंगे, जस्ट उससे आपका क्लियर पॉइंट होगा। एक ही करेंसी पेयर पे ना लेके बहुत सी करेंसी पेयर पे नोटिस करके देखेंगे। ओके, जस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट फॉल हुआ है और एक वीक यहाँ पे आप देख रहे हो, वीक निकली हुई है तो कुछ कह नहीं सकते, जस्ट मार्केट अप चला जाए, लेकिन मार्केट तेज़ी से नीचे गया हुआ है। तो जस्ट अब हम 1 मिनट की हमारी टाइमिंग आ रही है और हम 700 रुपये यहाँ पे लगाने वाले हैं डाउन। ओके, और ये हमने डाउन ट्रेड ले ली, ये शायद हमने 1 मिनट की ली हुई है,
हाँ ये हमने 1 मिनट की ट्रेड ली हुई है, अगले में हम बढ़ा देंगे। ओके जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके इसको जूम कर लेते हैं, देखो ग्रीन पीक तो बन रही है, लेकिन मैं बता दूं कि शायद ये यहाँ तक इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ तक क्लियर हो, जस्ट यहाँ तक कैंडल आए। ठीक है तो ये ग्रीन में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अगली कैंडल से हमें पता चल जाएगा। ओके जैसे इसने ग्रीन लिया है, लेवल बहुत बड़ा ग्रीन लिया है, तो अभी रुकना है बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे जाने वाला है। जस्ट ये 17 सेकेंड्स हमें वेट करना है। और ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की है, शायद इसको ये टच करे। देखो पीक पॉइंट तो आया है पूरी तरीके से, मैंने जैसा कि बोला है, मैंने जो बोला था ना कि ये रेड पे क्लोज होगी, जस्ट रेड पे क्लोज हुई। ओके सिंपल तरीके से, और ये मैं पहले ही बता दूं कि 1 मिनट थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा रिस्की। अगर आप परफेक्ट एनालिटिक्स से नहीं लोगे, जस्ट ये लॉस भी हो सकती थी, है ना। अगर लॉस हो जाती तो फिर क्या होता, तो अगली ट्रेड लेते ना। कैसी बातें कर रहे हो। देखो मैंने बोला है ना, जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये इसको छूकर शायद वापस जाए। देखो इसको भी तोड़ गई है, इसको भी तोड़ गई, जस्ट अब ये यहाँ तक वापस आएगी और फिर मार्केट अप जाएगा। तो जस्ट अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, हम दूसरी करेंसी पेयर देखते हैं, क्योंकि एक ही करेंसी पे अभी नहीं लोड ले सकते। तो देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पे कुछ अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो मैं अगर आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करोगे, तो आप कमेंट में जल्दी बताओ कि आप अप लोगे यहाँ पे कि डाउन लोगे। जस्ट आप सोच के मतलब एक कर सकते हो ना प्रिडिक्ट कि हाँ ये बन रहा है, तो मैं थोड़ा रुकता हूँ आप लोगों के लिए। शायद आप पहले ही सोच के पेयर करके आप बता दो कमेंट में कि अप एंड डाउन। बस टाइमिंग नोटिस करना कि 11:38 पे सर अप ली, ठीक है पहले ही से, और फिर बाद में बिन भी कमेंट कर देना। जस्ट देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लेवल क्या है, लेवल एक सपोर्ट लेवल है, मतलब मार्केट को ना छू, जो हमारी कैंडल है वो उसे छू नहीं रही है, ना ब्रेक कर रही है, जस्ट वहीं पे ऊपर नीचे हो रही है। तो थोड़ा हम अमाउंट बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, जस्ट हम इसको 1500 रुपये करते हैं। ओके 1500 रुपये, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि देखो 1 मिनट नहीं लेंगे, अब हम 3 मिनट्स लेंगे। ओके जस्ट इसको ख़त्म होने दो, हम नीचे ट्रेड करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्या है मार्केट की कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जस्ट आप यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ देख सकते हो और एक यहाँ पे है, ठीक है, और मार्केट पोजिशनिंग यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो। ओके और मैं गाइस बता दूं कि वैक्सीन लगवाया हुआ है, तो कमर में दर्द कर रहा है, पता नहीं, और थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ रहा है। अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको भी वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ है क्या, है ना, बताना ज़रूर, ठीक है। मुझे तो कहीं क्यों एसी में डर लग रहा है। तो देखो सिंपल तरीके से आप देख रहे हो कि कैंडल्स नीचे बने हुए हैं। बस मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो वीक पे है, देखो वीक पे लेवल पे है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो जस्ट इसको क्लोज़ होने दो। देखो मैं बोलता हूँ कि टाइमिंग अपनी बहुत ज़्यादा प्रिफेयर करती है। ओके तो हमें यहाँ पर टाइमिंग के लिए रुकना है, ठीक है, टाइमिंग के लिए रुकना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जस्ट ये साफ साफ बताती है आपको कि मार्केट नीचे डाउन जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे जो मैंने पॉइंट बताए हैं। आप पीछे जाके अच्छी तरीके से समझ के भी देख सकते हो। ओके तो हम वेट कर लेते हैं, और मार्केट वीक्स पे है, तो अभी हम थोड़ा और कोई सा देखते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या, यहाँ थोड़ा इसको देखो, यहाँ पे क्या आप सिंपली देख सकते हो कितनी सारी वीक्स हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट फॉल बहुत कम हुआ है, लेकिन डाउन डाउन बहुत कम हुआ है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गया हुआ है। देखो सिंपल तरीके से यहाँ फॉल हुआ धीरे से, फिर अब चला गया, ठीक है। तो ये रिस्की मार्केट कहलाते हैं, ठीक है, समझो इस चीज़ को। आई होप आप लोग स्किप नहीं कर रहे होंगे, जिन्हें पैसे कमाने हैं और जिन्हें नहीं कमाने हैं गंवाने हैं, वो स्किप कर रहे होंगे, पक्का गारंटीज, क्योंकि उन्हें सिर्फ अप डाउन से मतलब होता है, उन्हें कोई जानकारी होती नहीं है,
ओके सिंपली आप देख लो कितनी जगह फॉल हुआ है, तीन जगह फॉल हुआ है मार्केट और तीन जगह अप गया हुआ है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप देख सकते हो क्योंकि दोनों लेवल पे हम देख रहे हैं। तो जस्ट अभी देख रहे हो कि मार्केट सॉरी ये वैक्सीन का असर है, पता नहीं क्यों थोड़ा मतलब मूड भी थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ। बोल रहे थे इम्यूनिटी आ जाएगी लेकिन मुझे तो बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही है तो क्या करें, रुकना पड़ेगा, टाइम चेक करो जब तक हम दूसरा करेंसी पेयर चेक करते हैं, ऑल्ट कॉइन देखते हैं क्या है। ऑल्ट कॉइन का देखो आप मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल है और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो डाउन के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल है, जस्ट ये फॉल ही है पूरी तरीके से। देखो तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेड ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा रुक के देखना होगा, ओके। जस्ट क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंडीशन आप देख सकते हो आप एंड आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साथ दो ट्रेड लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और मैं दो ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ कि मैं कितना श्योर हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं अपने मनी लगा रहा हूँ तो कितना श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छी तरीके से कि मार्केट में फॉल है लेकिन जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट पे है। मतलब देखो हम इसी प्रकार सिग्नल भी आपको देते हैं, तभी सिग्नल देने में टाइम लगता है और सिग्नल हम क्यूटेक्स का कर रहे हैं। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कोर्स है, उसकी अब उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो सिंपल तरीके से आप देख रहे हो कि मार्केट कंडीशन अभी क्या बता रहा है कि ना अप है ना डाउन है, बैलेंस है मार्केट, ओके। तो जस्ट अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं अप के लिए तो जस्ट शायद ये पॉइंट को ये टच करके रिवर्सल आए, ओके, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है जस्ट। लेकिन वो मैंने बोला ना कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, तो देखो इसने ब्रेक किया, हाँ ब्रेक कर दिया, तो जस्ट इस लेवल को छुएगा। लेकिन यहाँ ये रिस्की मार्केट है, जस्ट इनको स्किप करना चाहिए। देखो इसलिए मैं सब मार्केट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी नज़र भी ऐसे ही होनी चाहिए, जब आप चेंज करो तो हाँ भैया ने ऐसे किया था, भैया ने ऐसे किया था, हमें यहाँ ट्रेड नहीं करनी है, हमें टाइम स्किप करना है। जस्ट आपको समझ में आए एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल वेस, ओके। तो सिंपली हम यहाँ पर 2 मिनट का 3 तो अप ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं और ये हम अगर पीछे करके देखें 5 सेकंड तो देखो ये हाँ हम यहाँ पे अप ट्रेड ले सकते हैं। अब बोलोगे क्यों अप ट्रेड ली, देखो मैं बता दूं कि जो हमारा ये वीक है ना, वीक निकला हुआ है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वीक को टच करके रिवर्सल हो सकता है लेकिन ये रिवर्सल होने का जो टाइम है अपना शायद वो 2 मिनट्स हो, 2 मिनट्स तक नहीं जाए, ठीक है। तो ये रिस्की है लेकिन ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से लिए क्योंकि जो हमारी जो क्या कहते हैं जो लाइन है, देखो कैंडल ऊपर बनी हुई है, आप देख सकते हो जो ऐसी लाइन है कैंडल्स हमारी ऊपर बनी हुई हैं। जस्ट हम वेट कर लेते हैं और गाइस सब लोग ठीक होंगे मुझे आशा है, लॉकडाउन वगैरह खुल गया है, आराम से घूम रहे होंगे बाहर। और बताना जिनके यहाँ लॉकडाउन लगा है, मुझे तो जैसे मैं न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ तो लॉकडाउन वगैरह तो कहीं नहीं, ऑलमोस्ट खुल ही गया है, यूपी में कुछ जगह लगा हुआ है, मेरे यहाँ पे खुल गया है, ओके। तुम लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगवा ली होगी क्योंकि देखो माहौल ख़राब है, समझ रहे हो। वैक्सीन देखो तुम लोग तो असर कर जाओगे लेकिन घर में जो मम्मी पापा होते हैं ना शायद वो इतना सहन नहीं कर पाए, है ना। तो देखो ये डाउन आया है लेकिन ये अब जाएगा, ओके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इस लेवल को है, इस लेवल को ये शायद छुएगा या इस लेवल को ये ज़रूर छुएगा, अभी डाउनफॉल हुआ है लेकिन अब जाएगा आप देखना, ओके। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एनालिटिक्स हमेशा काम में आता है। और देखो यहाँ पे ऑटो मार्टिंगल भी यूज़ कर जाएँ शायद अपन लोग, क्योंकि कभी कभी एनालिटिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं यहाँ पर आपको ऑटो मार्टिंगल भी यूज़ करके दिखा दूँगा अगर ये लॉस जाएगी तो। वैसे तो जाने वाली नहीं है क्योंकि जो मैंने बताया ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल तक, पीक लेवल तक आएगा। तो अभी हम रुकते हैं
और नेक्स्ट कैंडल हमारा बन गया है, जैसे ये कैंडल डिसाइड करेगा। और ये हाँ, तो मैंने बोला ना कि इस लेवल को ये तोड़ेगा, तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जस्ट 43 सेकंड्स लेफ्ट, और समझ रहे होगे कितनी बेस्ट है ये चीज़। देखो अभी इसने बिल्कुल डाउन पीक दिया है, तो मार्केट डाउन जाएगा, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, देखो समझ रहे हो। तो इस तरीके से ट्रेड लोगे ना, जस्ट विन है, ऑसम तरीके से विन है। तो ऐसे ही ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड लो, क्योंकि अगर इस तरीके से ट्रेड लोगे कभी भी लॉस नहीं होगा। वीडियो की लेंथ देख के पता करो ना कि मैंने कितना टाइम लिया हुआ है, कितना टाइम मैं लगा रहा हूँ, कितना टाइम समझ रहा हूँ। तुम लोगों को तो एकदम बिल्कुल फंटास्टिक ट्रेडर बनना है एक ही बारे में। फंटास्टिक ट्रेडर कैसे बनोगे? क्या हुआ, हो गई विन, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमने अलग अलग करेंसी पेयर पे ट्रेड किया हुआ है। वीडियो लंबी हमें करनी नहीं है, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम लोग समझ जाते हो एक ही बार में। ठीक है, तो हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, रिपीट मैं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी लाइन नीचे आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे मतलब लाइन बिल्कुल देखना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने जो समझाना इजी लैंग्वेज में मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा चुका हूँ, इससे इजी और कोई नहीं समझा सकता। ये आप कमेंट में, पिछले कमेंट्स में, पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। और मैं पहले ही बता दूँ, मूविंग एवरेज पे हमारा एक और वीडियो है जो ट्रेंडिंग पे है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देखना ज़रूर। और जिन्होंने भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है वो लिंक में जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिंपल तरीके से अकाउंट क्रिएट हो जाता है, कुछ नहीं, 350 डालने होते मिनिमम है ये। और जिनको क्यूटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और उसका फ्री VIP सिग्नल ग्रुप चलता है, और वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना। मुझे आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मुझे ये भी आशा है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया और आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे तो यही आशा लगी रहती है कि तुम लोग समझ जाओ, बस भगवान करे तुम लोग समझ जाओ, तुम लोगों की थोड़ी कोई बात नहीं, समझ गए होगे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, पहले डेमो में यूज़ करना। ओके, पहले ही बोल देता हूँ, डेमो में यूज़ करना, डेमो में प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना, फिर करना, क्योंकि तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। ओके।